क्या इंटरनेट पर जो भी एचआईवी के संबंधित इंफॉर्मेशंस है वो सभी इंफॉर्मेशंस आपके काम की है? क्या आपको सब इंफॉर्मेशंस पढ़नी या देखना चाहिए? क्या इन सब को आपको देखने की जरूरत है? क्या सब ये सच है? तो इसी विषय पर आज मैं आपको इंफॉर्मेशंस दूंगा। और याद रखिए, जो लोग एक्सपोजर के बाद काफ़ी ज़्यादा चिंतित है या टेंशन में है और डरे हुए हैं, तो ज़्यादातर लोगों का ये चिंता, डर और घबराहट का कारण एक ही है, उसने ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट पर एचआईवी के बारे में कुछ पढ़ लिया है, देख लिया है, या तो उसने टेक्स्ट कंसल्ट का टेक्स्ट पढ़ा है या तो उसने वीडियो देखा है। और हर जगह पर कुछ अलग अलग बातें हैं, किसी पे कुछ लिखा है, किसी पे कुछ लिखा है। तो इंसान जो अपना डाउट सॉल्व करने के लिए इंटरनेट पर आया था एक्सपोजर के बाद, वो उसका डाउट सॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसका डर और भी बढ़ जाता है। और इसका डर का कारण है हर जगह पर अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशंस। तो याद रखिए, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट पर देखोगे और पढ़ोगे तो आपकी समस्या कम नहीं होगी, आपकी समस्या बढ़ेगी, आपका डर और चिंता बढ़ेगी, वो कम नहीं होगा। तो सवाल ये होता है कि आपको क्या करना चाहिए? तो आपको वो देखना पड़ेगा कि जो आप देख रहे हो और पढ़ रहे हो वो इंफॉर्मेशंस कब की है, अभी लेटेस्ट है या सालों पुरानी है। जो आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो वो आप किस वेबसाइट या किस यूट्यूब चैनल्स पर देख रहे हो? यदि आप वेबसाइट्स जो विश्वसनीय है, जैसे कि WHO, CDC, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CDC का मतलब है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो अमेरिका की संस्था के वेबसाइट्स है, तो यदि आप विश्वसनीय वेबसाइट पर पढ़ते हो तो आपको सही जानकारी मिलेगी। यदि आप कहीं से भी पढ़ने लगोगे तो समस्या ये होगी कि हो सकता है कि वह इंफॉर्मेशंस पुरानी हो, या यह भी हो सकता है कि वह इंफॉर्मेशंस गलत भी हो सकती है। अब आप जो भी इंफॉर्मेशंस जिसने भी लिखा है या तो जिसने भी जिस भी वीडियो देख रहे हो, आपको ये देखना है कि यदि मान लेते हैं कि आप एचआईवी के बारे में इंफॉर्मेशंस ढूंढ रहे हो, तो क्या उस इंसान के पास कोई एचआईवी के संबंधित कोई स्पेशल डिग्री है या नहीं है? क्या उसके पास एचआईवी का कोई स्पेशल एक्सपीरियंस है या नहीं है? तो इन सभी चीज़ों के बाद ही आपको तय करना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ देखना है और कौन सी चीज़ पढ़ना है। ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉक्टर नहीं है उसने भी एचआईवी के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशंस का वीडियो रखा हुआ है, जो एचआईवी के डिग्री धारक नहीं है उसने भी कुछ एचआईवी के बारे में कुछ वीडियो बना के रखा है, तो कुछ आर्टिकल्स किसी ब्लॉग में लिखा है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो जिसके पास ना तो डिग्री है ना तो एक्सपीरियंस है, तो कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने कुछ ट्रीटमेंट्स एचआईवी के बारे में सजेस्ट किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। और याद रखिए, आपको दिनों तक, घंटों में से दिनों, हफ्तों और महीनों तक एचआईवी के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मान लो आपने एचआईवी का एक्सपोजर यदि गलती से हो चुका है, तो आपने एक या दो दिन इसके बारे में सही जगह पर कोई विश्वसनीय यूट्यूब चैनल्स पर जाकर या तो कोई विश्वसनीय वेबसाइट्स पर जाकर उसके बाद में बारे में देख लिया और पढ़ लिया, तो उतना पर्याप्त है। यदि आप बहुत सारी जगह पर देखना जाओगे तो हर जगह पर कुछ अलग अलग लिखा होगा और आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। और आपने इस डर को मिटाने के लिए जो वेबसाइट का सहारा लिया था वहाँ से भी ज़्यादा डर आपका बढ़ जाएगा। तो यदि आपका एचआईवी पॉजिटिव आया है तब भी आपको कुछ दिनों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी है तो आप देख सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखें आप वैसे ही वेबसाइट देखें जो विश्वसनीय हो, जो प्रमाणित हो। यदि किसी डॉक्टर किसी संस्था की हो, जैसे कि WHO एक संस्था है, CDC एक संस्था है, तो किसी संस्था की वेबसाइट्स देखिए आप,
किसी इंसान ने से पर्सनल व्यक्ति के तौर पर बनाई हुई वेबसाइट पर देखने का प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है वो अप टू डेट ना हो सकता है वो एचआईवी के एक्सपीरियंस ना हो सकता है वो एचआईवी के डिग्री धारक ना हो। और यही चीज़ आपको यूट्यूब में कभी चैनल्स देखते हो तो आप ये भी देखिए कि क्या वो एचआईवी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है या नहीं है, उसके पास एचआईवी के इलाज करने के लिए पर्याप्त डिग्री है या नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, उस इंसान का जो अप्रोच है वह कैसा है। तो इस सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आप अपने इस इंटरनेट पर आकर आप अपनी सहायता कर पाओगे। यदि इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो याद रखिए आपकी मुश्किलें इंटरनेट और यूट्यूब पर आकर बढ़ेगी और आपका बेसिक क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए उसके बाद इंटरनेट पर यूट्यूब पर एचआईवी के बारे में देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे सवालों के बारे में जगह पर देखते लोग अक्सर पूछते ही रहते हैं कि और कब आएगा, एचआईवी कब मिटेगा, एचआईवी वैक्सीन कब आएगी, क्या एचआईवी मिट सकता है। इन सभी सवालों का जवाब आज मेरे ख्याल से सबके पास है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं, क्वेश्चंस में मैसेज ड्रॉप करते रहते हैं, ईमेल करते रहते। आपको जब भी दुनिया में ऐसा कुछ आएगा जैसे कि एचआईवी कब मिटेगा, या तो मिटने की कोई दवा आती है, या तो एचआईवी की कोई वैक्सीन आएगी, एचआईवी का इंजेक्शन इंडिया में आएगा, तो आपको ढूंढने की कहीं नहीं जाने ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपको अनेक माध्यमों से पता चल जाएगा। क्योंकि आप इसके बारे में अक्सर लोगों से पूछते रहोगे तो याद रखिए कभी कभार आपकी ज़रूरत का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपको लालच दे सकता है कि एचआईवी मिट सकता है, आपको लालच दे सकता है कि इन किस्म की दवाई का लेने से आपको एचआईवी नहीं होगा। लेकिन आप जानते हो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या तो CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज का पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आज के तारीख में एचआईवी नहीं मिट सकता है, आज की तारीख में एक्सपोजर से 3 दिन के बाद किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर एचआईवी को नहीं रोका जा सकता है। तो जब भी आपको लगे यदि आप कोई जीवन में बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो इसके संदर्भ में तो हमेशा WHO या तो CDC की वेबसाइट पर जाकर पढ़े, और यदि वहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है तो आप उस चीज़ को जीवन में लागू करें। यदि CDC या तो CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की वेबसाइट्स या तो WHO की वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जैसे कि HIV मिट जाएगा, कि HIV की इंजेक्शन आ गया है, किसी दवाई से HIV के एक्सपोजर के बाद विंडो पीरियड में रुका जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी है डाउट आपको लगता है तो ऐसा आपको CDC या तो WHO की साइट पर जाकर क्रॉस चेक करना है, और वहाँ पर भी आपको वही इंफॉर्मेशन मिले तो ही जीवन में लागू करें। अन्यथा आप अपना समय, पैसा और स्वास्थ्य सभी का नुकसान कर सकते हो। और जब भी कोई मिस के मान लो कि 10 लोग एक बात बता रहा है, एक इंसान वो बात बता रहा है, तब उस चीज़ को आपको क्रॉस चेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपको मेजोरिटी क्या बता रहे हैं वही देखना है। और जब भी कोई डाउट हो तो हमेशा WHO या तो CDC की वेबसाइट पर जाकर आप क्रॉस चेक करें। तो मैं आशा करता हूँ, और याद रखें इंटरनेट पर चीज़ें सही भी है गलत भी है। जो डॉक्टर नहीं है उसने भी HIV के बारे में इंफॉर्मेशन रखा है, जो डॉक्टर है उसने भी HIV के बारे में इंफॉर्मेशन रखा है। जो HIV का एक्सपर्टाइज नहीं है, जिसके पास HIV का डिग्री नहीं है उसने भी अपनी बात रखी है, जो HIV का एक्सपर्ट यानी कि HIV का डिग्री धारक है उसने भी अपनी बात रखी है, किसी के पास एक्सपीरियंस है किसी के पास नहीं है। किसी इंफॉर्मेशंस आप वही इंफॉर्मेशंस आप पाएंगे जो CDC या तो WHO की वेबसाइट्स पर है, और काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों से गलत यानी कि उसके विरुद्ध में भी पाएंगे। तो आपको अपना आपका अकल लगाना है और उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है कि आपके जीवन में किसी दवाई का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, किसी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। मैं आशा करता हूँ आपको HIV एक्सपोजर के बाद या तो HIV के इलाज पे ये वीडियो इंटरनेट का कैसा इस्तेमाल किया जाए, कितना इस्तेमाल किया जाए और कहां पर इस इस्तेमाल को रोकने की ज़रूरत है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के दौरान मिल जाएगी। तो मैं डॉक्टर केतन रणप्रिया, यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो
तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, पेमेंट कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और बाद में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह कर सकते हो। थैंक यू।